टूस के साथ मीटिंग में यूक्रेनी डेलीगेशन को जहर का डर। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपने डेलीगेशन को दी चेतावनी, मीटिंग में कुछ भी खाने पीने से बचें, मीटिंग की जगह सतह को छूने से बचें। यह बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन अपने डेलीगेशन को किस तरह की हिदायत दे रहा है, सावधान, जहर दे देगा रूस। यूक्रेनी विदेश मंत्री की ये बड़ी वार्निंग अपने डेलीगेशन के लिए। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने डेलीगेशन में शामिल प्रतिनिधियों को ये चेतावनी दी है, चेताया है उन्हें। यूक्रेनी मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने लोगों को कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया है। कुलेबा ने कहा, मीटिंग वाली जगह पर जो डेलीगेशन में मौजूद प्रतिनिधि हैं, वो सरफेस को छूने से भी बचें, यानी जहां जाएं, जहां बैठें, जहां रहें, वहां की चीजों को हाथ ना लगाएं। बेलारूस बॉर्डर की मीटिंग में शामिल प्रतिनिधि की तबीयत बिगड़ने से ये शक पैदा हुआ है। और जो मीडिएटर थे रोमन अब्रामोविच, उन्हें ऐसे लक्षण दिखे जैसे किसी ने उन्हें केमिकल जहर दिया हो, पॉइजन दिया हो। 3 मार्च की मीटिंग के बाद अब्रामोविच समेत 3 प्रतिनिधियों की तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद ये खास निर्देश जारी किए गए। अब तुर्की जा रहे डेलीगेशन के लिए विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ये एडवाइजरी जारी की है। आज तुर्की के इस्तांबुल में रूस यूक्रेन की फेस टू फेस मीटिंग होनी है और उससे पहले ये जो निर्देश दिए गए हैं, ये तो साफ तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों को अब एक दूसरे के प्रतिनिधियों पर, एक दूसरे के मुल्क के रवैये पर कोई एतबार रह नहीं गया है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला है। आज की डेट में ट्रस्ट बिल्कुल ही खत्म हो रखा है, किसी की बात पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये वॉर की सारी विधाओं का इस्तेमाल होगा, साम दाम दंड भेद, इसमें हर चीजें, हर तरीके की स्नाइपिंग इसमें इन्वॉल्व है, लीडरशिप को खत्म करना इन्वॉल्व है। हो सकता है इस तरीके जो वार्ताएं हो रही हैं उसमें किसी तरीके का एक प्रोपोगंडा लॉन्च किया जाए, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। और टर्की की इसमें जो अहमियत है, वो दोनों पक्षों को एक टेबल पे तो ले आए, लेकिन क्या उनको मनवा पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या उनकी दोनों बात सुनने के लिए इस स्थिति में है? मेरा यह मानना है कि शायद जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया है कि ये वॉर लंबा चलेगा, अगर इसको मद्देनजर रखें। नहीं, लेकिन सर ये बताइए कि आजकल की जो स्थिति है, युद्ध जिस तरह का हो रहा है, उसमें किसी की हार हो, किसी की जीत हो, ये तो पॉसिबल नजर आता नहीं। अल्टीमेटली बातचीत की टेबल पर बैठना होगा, निगोसिएशंस होंगी, वो बहुत रूड हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन होना तो यही है। तो आखिर में क्या यूक्रेन 2 हिस्सों में बटे और फिर एक सहमति बने, इसके आसार ज्यादा हैं क्या? देखिए, पहले से मीटिंग तो तभी होती है जब दोनों एग्री करते हैं। मीडिएटर्स के साथ अगर तुर्की के साथ बात हुई तभी वो आए हैं। यहाँ पर ये बात फैलाना कि जहर दिया जा सकता है, केमिकल चीजें दी जा सकती हैं, एक तुर्की के लिए भी या टर्की के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि कोई ऐसी बात कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा इतिहास में तो उदाहरण है और बहुत सारे सवाल बहुत सारे देशों ने कई मौके पर, अगर आप देखें। हाँ, मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ। तो क्या इसको खारिज किया जा सकता है? ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस समय बातचीत बहुत अहम है पूरी विश्व शांति के लिए। लेकिन अभी एक बात कही किसी ने कि अभी इसका फैसला होगा कि नहीं। मेरे समझ से इस समय रशिया ने जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए बनाए थे वो उनको पूरा कर चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।